अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली किचन। आज मैं आपके सामने बड़े के गोश्त की बिरयानी बनाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर 1 kg बड़े का गोश्त लिया और इसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम अखनी बनाएंगे। अखनी के लिए मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, सौंफ ली है, नमक लिया है, यहाँ पर एक अनियन ली है मीडियम साइज़ की, और एक पोटली ली है लहसुन की, और यहाँ पर कुछ गरम मसाले लिए हैं खड़े। देखिए, 3 तेजपात के पत्ते और 2 बड़ी इलायची और 2 लकड़ी की टुकड़े और 8 से 10 लौंगे और यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को कुकर में डालेंगे। मैंने गोश्त को हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे, 3 टेबल स्पून धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 अनियन डाल देंगे, 1 लहसुन की पोटी और ये खड़े गरम मसाले। हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, हमारी अखनी रेडी हो चुकी है और देखिए गोश्त भी गल गया है। हम इस गोश्त को निकाल लेंगे एक बाउल में। हमने अखनी को निकाल लिया और हम इसे ढककर एक साइड में रख देंगे। हम इस पानी को भी एक बाउल में छानकर निकाल लेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी बिरयानी में काम में आएगा। हमने पानी को भी निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसको भी हम ढककर एक साइड में रख देंगे। अभी हमारे बिरयानी के मसाले हैं, यहाँ पर मैंने दही लिया है और खड़े गरम मसाले लिए हैं और 2 से 3 अनियन लिए हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, यहाँ पर फूड कर लिया है, और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 बड़ा टमाटर लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने आम का अचार लिया है और यहाँ पर हरी मिर्च लिए हैं, उन्हें मैंने कट कर लिया है। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज जब तक हम पकाएंगे जब तक हमारी रेड ब्राउन ना हो जाए। देखिए, हमारी प्याज रेड ब्राउन हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें खड़े गरम मसाले डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हमें हरी मिर्ची डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसमें ये गोश्त ऐड कर देंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अचार भी डाल देंगे, दही भी डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को हमने 1 से 1.5 घंटा फुला दिया था। हम इसमें 2 ढक्कन चावल डाल रहे हैं। ये हमारा अखनी का पानी है जो हमने ढककर रख दिया था। ये देखिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको चला के इसको ढक देंगे। ये देखिए अब हमारी दम पर आने लगी है। हम इसको एक मरतबा चला देंगे। ये देखिए हमारी दम पर आ गई है। हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम होने के लिए रख देंगे। स्लो आंच पर रख देंगे। ये देखिए हमने जो प्याज तली थी अब वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको ऊपर प्याज डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एक बार और